हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद भाजपा का देवीलाल परिवार के साथ एक गहरा नाता और कनेक्शन रहा है और अब तक जारी है। अतीत की बात करें तो देवीलाल परिवार को सत्ता तक पहुंचने में गठबंधन सहयोगी के नाते भाजपा का अहम रोल रहा है, मगर 2019 के चुनाव में ऐसा पहला मौका आया जब भाजपा को सत्तासीन करने में देवीलाल परिवार की अहम भूमिका रही। 1981 में अस्तित्व में आई भाजपा ने हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव 1982 में लड़ा। 1982 के विधानसभा चुनाव में लोकदल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते यह गठबंधन रह गया। 1987 में भाजपा के साथ मिलकर देवीलाल ने सरकार बनाई। साल 2000 में भी चौटाला और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। 1999 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के साथ गठबंधन में एक बार चौधरी देवीलाल तो दो बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। हमेशा सत्ता बनाने में देवीलाल परिवार का सहयोग करने वाली भाजपा को पहली बार 2019 में देवीलाल परिवार की मदद से ही सरकार बनानी पड़ी। 2019 में देवीलाल के पड़पोत्र दुष्यंत चौटाला की जजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा बहुमत से करीब 6 अंक दूर यानी 40 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। तब जजपा और देवीलाल के मंझले बेटे रणजीत सिंह चौटाला की मदद से भाजपा ने सरकार बनाई। देवीलाल परिवार और भारतीय जनसंघ का नाता 1972 से रहा है। 1972 में डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की मित्रता का एक सिलसिला शुरू हुआ जो दशकों तक जारी रहा। 1970 में देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपनी सरकार में मंगल सेन को उप मुख्यमंत्री बनाया। जब 1982 में राजभवन में तत्कालीन राज्यपाल जीडी तपासी के साथ देवीलाल का प्रकरण हुआ तब मंगल सेन भी भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में उनके साथ थे। वहीं साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40, कांग्रेस को 31, जजपा को 10 और हलोपा व इनेलो को 1-1 सीट पर जीत मिली और 7 आजाद विधायक चुनकर आए। सबसे बड़े दल के रूप में 40 सीटें जीतने वाली भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला। जजपा ने उन्हें समर्थन दिया और रणजीत सिंह चौटाला सहित 5 आजाद विधायक भी भाजपा के समर्थन में आ गए। इस तरह से देवीलाल परिवार की बदौलत 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि 1967 से लेकर 2019 तक हुए 13 चुनाव में 2019 में पांचवा अवसर था जब भाजपा अकेले चुनावी मैदान में थी। अलबत्ता इससे पहले 1991, 2005 और 2009 में अकेले चुनावी मैदान में कूद चुकी है, पर तब भाजपा दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। हरित प्रदेश में 2014 में पहला मौका आया जब भाजपा यहां अकेले अपने दम पर कमल खिला सकी। पार्टी गठन के अपने 32 बरस के कार्यकाल में भाजपा अकेले कभी भी राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अलबत्ता भाजपा 3 दफा गठबंधन के जरिए सत्ता का स्वाद चख चुकी है। 1982 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में भाजपा 3 दफा अकेले तमाम सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 1991 में भाजपा ने तमाम 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे पर महज 2 पर ही जीत मिली। इसके बाद 2005 में 90 में से 2 जबकि 2009 में 90 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। हरियाणा में 1967 से लेकर 2014 तक 12 आम विधानसभा चुनाव हुए हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। इससे पहले यह पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। भारतीय जनसंघ के जमाने में राज्य को विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन बेहतर रहा। 1967 में भारतीय जनसंघ के 48 उम्मीदवारों में से 12, 1968 में 44 उम्मीदवारों में से 7, जबकि 1972 में 19 उम्मीदवारों में से 2 ने जीत हासिल की। 1982 में भाजपा पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। अब तक हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी राज्य में दूसरे दलों का सहयोग कर सरकार बनवाने में कामयाब रही है। भाजपा ने अतीत में 4 बार हविपा व लोकदल सरीखे दलों से गठबंधन किया। 4 में से 3 बार 1987, 1991 और 2000 में गठबंधन की सरकार बनी।
दरअसल हरियाणा के सियासी इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और देवीलाल की जुगलबंदी की आज भी दुहाई दी जाती है। भाजपा के दिग्गज नेता रहे मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की दोस्ती के किस्से आज भी मशहूर हैं। 1967 से लेकर 1981 में भारतीय जनसंघ के रूप में चुनाव लड़े और 1981 में भाजपा का गठन हुआ। 1982 में ही चौधरी देवीलाल की लोकदल के साथ पार्टी ने गठबंधन किया। लोकदल ने 65 में से 31 तो भाजपा ने 24 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ तो उस समय जोड़ तोड़ करके भजनलाल कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल हो गए। 1987 के चुनाव में भाजपा और लोकदल की दोस्ती कायम रही। 1987 में तो गठबंधन ने 76 सीटों पर जीत हासिल की। 1991 में भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा और 1996 में बंसीलाल की हवीपा के साथ गठबंधन कर लिया। साल 2000 में एक बार फिर से भाजपा ने देवीलाल परिवार के साथ हाथ मिलाया। 2000 के चुनाव में भाजपा ने 29 में से 6 और इनेलो ने 62 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की। 2005 और 2009 में अकेले चुनाव लड़ा तो 2014 में पहली बार अपने बलबूते पर भाजपा ने सरकार बनाई। 2019 में पहली बार ऐसा मौका आया जब देवीलाल परिवार का साथ देने वाली भाजपा को देवीलाल परिवार की मदद लेनी पड़ी। इस बार जजपा और रणजीत सिंह चौटाला के सहयोग से भाजपा ने सरकार बनाई। अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली। नतीजे आने के बाद रानिया से आजाद विधायक निर्वाचित हुए रणजीत सिंह चौटाला ने तब बिना शर्त के भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बाद में भाजपा ने जजपा और आजाद विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने जबकि आजाद विधायक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को बिजली एवं जेल मंत्री बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।